लंबा सा बड़ा खूबसूरत सा कमरा है, वहाँ पे मैं हम सबको कहता हूँ यहाँ पे आप नफल नमाजे वगैरह पढ़ लें, बहुत ज्यादा इसका स्वाद है। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर गुजर गई तो मैं कहता हूँ हजरत तक को मैं दो साल, तो वो कहता हूँ इसके आगे की चीज लगी होती है, इस तरह होता है, मैं कहता हूँ ये अपने मैंने बंद किया हुआ लगता है हजरत को ना, अभी कुछ देर से पास दो साल में रहता टाइम आएगा, मैं ड्राइवर को कहता हूँ जल्दी जल्दी यहाँ पे नमाजे पढ़ लें, इस तरह रश ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपसे ये काम नहीं होगा। और दूसरा वैसे था मैं आजकल जो भी ख्वाब देख रहा हूँ मुझे बहुत पहले इशारा हो जाता है, ठीक है ठीक है, वो सबसे होता है ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का और आपका ख्वाब ऐसा शेयर करने का जी। इसमें बेसिकली इशारा ये है कि शायद ये जाना चाहते हैं मगर कोई ना कोई रुकावट है, जा नहीं पाते, बिकॉज ये कह रहे हैं ना कि कमरे में ले जाते हैं अपने फैमिली इसको कि यहाँ नमाजें पढ़ लो, और दूसरा हजरत अस्वद का इन्होंने कहा, तो ये जाना चाहते हैं, शायद इनके दिल में ख्वाहिश है, तो वसाइल नहीं है या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से खाना काबा की जियारत नहीं कर पा रहे। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉल है हुमा साहिबा कराची से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी बताइए क्या ख्वाब शेयर करना चाहते हैं? हम बड़े शौक से देखते हैं और हमने ईमेल भी किए लेकिन कभी जवाब नहीं मिला। कौन से वाले पे ईमेल किए मुझे बताया आप? शिकायत पे किया था जी, ड्रीम इंटरप्राइज इसमें किया था। कौन से ईमेल एड्रेस पे किया था आपने? ईमेल एड्रेस मेरे बच्चे से करवाया। अच्छा चलो हमें काम करते हैं, आपका नाम हुमा है ना? जी हुमा शाहिद। ठीक है, मैं आपका ईमेल जो है मैं सर्च करूंगी जाकर, अगर मिल गया तो ठीक है वरना मैं आपका नंबर ले लेती हूँ। लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। जी मैं अपना ख्वाब बताना चाह रही थी। जी जी कहिए कहिए। क्योंकि मैं अक्सर ये हम बहुत सालों से ख्वाब देखती हूँ कि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो हो नहीं रहा, अगर मैं कुछ पकाना चाह रही हूँ पक नहीं रहा, अगर कहीं जा रहे हैं तो सब तैयार हो गए मैं नहीं तैयार हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, आम जिंदगी में मैं सही टाइम पे ही काम करती हूँ सब ठीक, लेकिन इससे मुझे बहुत वो होता है अक्सर। ठीक ठीक ओके मैम, आपका अभी सुन भी लिया, और इसके अलावा हमारा जो ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आप ईमेल कर सकती हैं वो नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उसको देखें उस पर ईमेल करें, आई एम श्योर आपको आंसर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम दो दिन में दे देंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल, हमारे साथ एक और कॉलर है, मुझे इनसे कुछ तफसीलात लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ईमेल कर देंगे। ये बता दूं नाजरीन 1680 ईमेल आज भी मेरे इनबॉक्स में मौजूद है, कितनी देखूं? आज 5:30 बजे मैंने तो फिर बंद कर दिया क्योंकि मेरी आंखें थक गई थी। आई वाज रियली टायर्ड। अब आपके एक ईमेल साइंसेस भी हमें खोलनी पड़ेगी जिससे हम लोग अब मैं दूसरा काम कर रहा हूँ ना, ईमेल देख लेता हूँ मैं और अब मैं ऑडियो में अपनी आवाज में जवाब भेज रहा हूँ, उसमें टाइपिंग का टाइम बच जाता है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है याया साहब कराची से, अस्सलाम वालेकुम याया। याद कर रहा था अभी, दो मिनट पहले याद कर रहा था। ठीक ठाक आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम तो आपके प्रोग्राम देखने बैठे रहते हैं। वैसे आपने जो स्कूल की बात की ना, तो मैंने वो शेर को जरा चेंज करके पढ़ा है। बताए मकतबे मुइस के मुइस का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। हमने तो जो सबक आपको पढ़ने को हम छुट्टी मांगते ही नहीं, हमके तो चलता है। अरे यार साहब एक सच्ची बात बोलू, आई एम नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग, मैं जब आई थी ना तो मैं थोड़ी सी डाउन थी और मैं थोड़ा सा मतलब एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन था, मैंने आपके कॉल सुने मेरी आंखें पूरी खुल गई, मैं यार साहब कैसे आ गई हो? नहीं नहीं भाई, हम तो आपकी बातों से, हमें डॉक्टर साहब की बातों से हमें काफी एनर्जी मिलती है। आज तो मैंने बेटे को जबरदस्ती बिठाया, मैंने मतलब तुम्हें सीआईडी वीआईडी देखते रहे तो ये कहा की चीज देखो, पता चलेगा जिंदगी सीखने को मिलेगा। डॉक्टर मैं आज जो है आपसे, मैं काफी दिन से सोचा एक सवाल मुझे करना था ड्रीम के बारे में। जी जी। एक तो ड्रीम हम देखते हैं, एक तो ड्रीम होता है जो हमें कोई दिखाता है। ठीक है ठीक है ना, अब ड्रीम है जैसे सुनहरे ख्वाब दिखाना जिसमें जो आपको बेवकूफ बनाते हैं लोग, कि जैसे आपको बताते हैं कि ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, फना कर दूंगा फना हो जाएगा, आप उस ड्रीम में खो जाते हैं, फिर आप धोखे में आ जाते हैं। हाउ टू डील विद दिस पीपल, अब कैसे गेस करेंगे आदमी आपको सुनहरे ख्वाब झूठे दिखा रहे हैं सच्चे दिखा रहे हैं? चले जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल आया साहब, और आपकी कॉल जो है ना वो हमारे लिए समझ ले एक एक एनर्जी है जो हमें एनर्जी मिल जाती है। याया साहब को कहे कि वो थर्सडे के लेक्चर में आए, याया साहब नहीं आते पता नहीं क्यों। हमारे साथ एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से, क्या रहे हैं आप? अरे इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद के कैसे हालात है पहले तो आप ये बताएं। बस ठंड है बड़ी शदीद इस्लामाबाद में, होता ही है आज के इस्लामाबाद में, हमारे भी काफी बंदे चले गए, बड़े इम्पोर्टेंट बंदे से बात करनी थी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी फरमाइए। मैं ख्वाब के हवाले से तो नहीं, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज मैं अपने पर्सनल हवाले से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, अगर आप गाइड कर दें। जी जी जरूर। एक डिजिट है 4666 ना, हाँ,
तो जिन लोगों के मतलब जो लोग मेरी जिंदगी में हेल्प करते हैं तो उनके मोबाइल नंबर्स में 466 आ जाता है। सम टाइम मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो जो आगे कोई गाड़ी आती है उसमें 466 लिखा होता है, वापस आ रहा हूँ सफर से तो भी 466 होता है, या कहीं किसी जगह पे ऐड आया या कोई ऐसी चीज है तो वहाँ भी अगर कुछ मुझे सपोर्टिव चीज मिल रही हो ना 466। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इस अदर से मैं किस तरह काम ले सकता हूँ, मतलब क्या है ये 466, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ एक और कॉलर इमरान साहब सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? बस ठीक ठाक, आप सब लोगों की दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया जी, कहिए सर जी। डॉक्टर मुनीस और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा, हम लोग यहाँ इतनी दूर बैठे हुए आपके बड़े अच्छे प्रोग्राम से लुत्फ होते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मेरा ये मुख्तसर सा सवाल ये है कि एक दिन हुआ ये कि मुझे मेरा दिल काफी घबराया, मेरे वालिद साहब कुछ सालों पहले वफात पा गए, अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे जी आमीन। तो उनके बारे में काफी घबराहट रही थी और तो एकदम से मैंने जाके सदका दिया उनके नाम का, और उनके सदका देने के बाद फौरन बाद अगले जब रात को जब मैं लेटा तो मुझे एक ख्वाब आया और उस ख्वाब में मेरे वालिद साहब मुझे मिले, मेरी मुलाकात हुई उनसे और उन्होंने कहा कि मैंने कहा अबू आप जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे और मैं आपको जो आपकी खिदमत कर सकता था वो मैं नहीं कर सका। तो उन्होंने मुझे उठाया चेयर से और उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो मेरे बहुत अच्छे बेटे हो, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो, और हाँ एक बात याद रखना कि कल जो तुमने मेरे लिए किया वो मुझे मिल गया है। ठीक, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ख्वाब में, क्योंकि ये जो मेरा ख्वाब है ये शायद मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है और मेरे लिए शायद ये ख्वाब नहीं, मैं ये महसूस करता हूँ कि ये ख्वाब नहीं था, ये क्या मेरा एक रवानी ताल्लुक कायम हुआ मेरे वाले। बिल्कुल सही, ठीक सर। तो क्या ये ऐसा होता है कि इंसान अपने रूहानी ताल्लुक कायम करता है अपने ख्वाबों में? बिल्कुल बता, ठीक है सर। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आप आई एम श्योर आप लाइव स्ट्रीमिंग जो हमारी होती है हेल्थ टीवी की health-tv.tv पर आप उसी पे हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होंगे। बट अब हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं में जाएगा डॉक्टर मुईज लाउंज, बिकॉज इतने सारे सवाल हैं, इतनी कंफ्यूज होगी, सारे सवाल एक एक करके याद करूं सारे कॉलर्स के आए थे। सो प्लीज कीप वॉचिंग। जी वेलकम बैक नाजरीन, और जिस तरह के आप देख रहे हैं कि एक और एडिशन हमारे मेरे सामने हो गया, और ये बस फील्ड्स की तरफ से जो हम जो गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं हमारी ऑडियंस को, ये वो हैं और ये आपको मिलेंगे इधर सभी। फिलहाल देखिए इसको, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, फिर आपको मिलेंगे। अच्छा जी, आप मुझे एक बात बताइए, सवाल को जवाब दे, इतने सारे सवाल में आप पाप हो गई। अच्छा जी, पहला सवाल ये था कि सुनहरे खाब, फिर 464, ठीक है, थर्ड था हमारा वो जो साहब सऊदी अरब से कॉल की थी, फोर्थ जो हमारी ऑफर कॉल है, पहले हम उन साहबा से बात कर लेते हैं। जी जी, ये बचपन से लेकर अब तक ये सेम ख्वाब आता है। ओ अच्छा, जैसे मैं 6 ईयर की थी जब से अब तक क्या ख्वाब आता है? सेम ये है कि मैं बहुत ऊंचाई पे चली गई हूँ, ठीक है, सीढ़ियाँ ठीक है, और कोई वैसी कोई ऊंचाई नहीं, ठीक है, सीढ़ियों की ऊंचाई, ठीक है ठीक है, और फिर एक सेकंड में गिर जाती सर, उधर ठीक है, मैं एक सेकंड में गिर जाती हूँ, ठीक है ठीक है, और फिर मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये ख्वाब जो है बेसिकली नुमाइंदगी करता है जिंदगी में कुछ ऐसी ख्वाहिशात थी जो पूरी ना हुई, या वो चीज जो हासिल करना चाहती थी वो किसी वजह से ना हासिल कर सकी? तो 6 ईयर में वो मेरी कौन सी ख्वाहिशात होंगी जो मेरी उस वक्त मेरी हर ख्वाहिश पूरी, ऐसी कोई मेरी बचपन अच्छा है, हर चीज सही है, उस वक्त तो ऐसा नहीं था ना मेरा। नहीं, बचपन में ख्वाहिश, बचपन से जब ख्वाब आता है ना तो बेसिकली पहले तो पर्सनैलिटी की नुमाइंदगी करता है, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के जो एक लेवल तक पहुंचता है और एकदम से सब चला जाता है उसके पास, राइट, ये पर्सनैलिटी का इश्यू होता है।
بعض لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ دوڑ رہے ہیں مگر دوڑ نہیں سکتے, تو وہ سٹرگل کی نمائندگی کرتا ہے. تو ایک تو پرسنالٹی کی نمائندگی کرتا ہے, آپ پہنچ جاتی ہے اوپر بٹ سم تھنگ ہیپنز, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے جو کہ آپ کر سکتی ہیں اپنے. کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ حاصل کر سکتی تھی مگر نہیں کر پائی, کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھی. نیچے گرنا آپ کے اختیار میں نہیں تھا مگر اوپر پہنچنا آپ کے اختیار میں تھا, آپ پہنچ گئی. ہاں میں چلی جاتی ہوں, ہاں مگر گر جاتی ہیں آپ, پھر وہ سیکنڈ میں گرتی ہوں. اور اس وجہ سے کوئی چیز جو آپ لاسٹ مومنٹ پہ آپ کو مل سکتی, ہاں لاسٹ مومنٹ بس وہ رک جاتی. اچھا سر بات جو ہوئی تھی پہلے جو وغیرہ صاحب کی کال آئی کہ سنہرے خواب جو دکھاتا ہے, ایک تو خواب ہم دیکھتے ہیں اور ایک ہمیں کوئی دکھاتا ہے. اور سر ہم بھی ہیں اکثر, میرا اکثر کے ایک شخص نے میرے والد کو بات کی تھی کہ آپ ڈریم مرچنٹ ہیں, آپ لوگوں کو خواب کنٹینیو کر لیں. میرا آگے میں نے یہ کہا تھا, میں انفیکٹ امریکن ویزا کے لیے گیا تھا تو وہ مجھے جب ویزا آفیسر نے پوچھا واٹ ڈی ڈو, تو میں نے کہا میں ڈریم مرچنٹ, وہ ایک دم حیران ہو گیا. میں ڈریم مرچنٹ, آئی سیل ڈریمز, مگر صرف ڈریم نہیں دیتا, ان ڈریمز کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں. آج میں گئی ڈرائیور, میں کہا آپ تو آگے کمپلیٹ کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے. اچھا تم جب بات کرتی تو کس کی وجہ سے ماشاء اللہ پورا بولتی. اچھا فوراً سے جواب دے دوں, کئی دفعہ باڈی لینگویج سے پتا چلتا ہے رائٹ, جو آپ کو خواب بیچ رہا ہے وہ آپ کی کمزوری جانتا ہے. اکثر جب آپ کسی ایسے بابے کے پاس یا ایسے شخص کے پاس جاتے ہو تو آپ جاتے کیوں, وہ سمجھ گیا کہ آپ آئے ہو کیونکہ آپ کو کوئی پرابلم ہے, تو وہ انسانی نفسیات سے کھیلتا ہے, تو باڈی لینگویج دیکھا کرے. دوسری چیز, جس شخص نے اپنی زندگی نہ بنائی وہ دوسروں کی کیا بنائے گا, ٹھیک ہے نا. تو پہلے تو آپ کو ان کے حلیے سے ان کی جگہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ان کے پاس نہیں ہے. اگر تمہارے پاس موکلات ہیں تو تم اس موکلات سے کوئی نا خزانے لا کے تمہیں دے. اب میں بتا دوں یہی والی بات کہ میں ایک دفعہ ایک شخص تھا مجھے پتھر بیچ رہے تھے, میں نہیں کری وہ غلط کر رہے تھے کام, صدر کی بات ہے, میں اس وقت کراس کر رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ لے لو یہ والا, تم پہ تمہاری جو پرسنالٹی لیتے تمہیں یہ والا یہ کلر تمہیں سوٹ کرے گا, تم بہت امیر ہو جائے گی. میں نے بولا ہائر امیر بنوں گی, میں بھی لینے گئی. تو میرے ساتھ ایک انکل تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ اگر وہ تمہیں امیر بناتا بنا سکتا ہے یا اس کے پاس آرٹ ہوتا بنانے کا تو پہلے وہ خود امیر بنتا بن جاتا نا, تو وہ خود تو روڈ پہ نہیں بیٹھا تھا نا. تو دیکھیں آپ جو شخص آپ کو کوئی ڈریم بیچ رہا ہے وہ خود کتنا کامیاب ہے زندگی میں, دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. دوسرے سوال پہ آ جاتے ہیں, وہ نمبرز کا جو سوال تھا, دیکھیں نیورولوجیکلی وہ جو نمبر بنتا ہے وہ نمبر پانچ بنتا ہے, تو بعض دفعہ یا تو نمبر پانچ کی آپ کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ویلیو ہے نمبر پانچ. دوسرا انٹیوشن بعض دفعہ اس طرح کام کرتی ہے کہ اگر کوئی نمبر چاہے وہ ایک ڈیجٹ کا ہو تین ڈیجٹ کا ہو, وہ بار بار اگر آپ کے سامنے آئے تو وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کسی چیز کی طرف. اس پہ میں بڑا ایکسٹینسو لیکچر دے چکا ہوں, جو لائف سٹریم کے اوپر وہ لیکچر اویلیبل ہے اس کو ضرور دیکھیے. اچھا ان کا جواب ہو گیا نا؟ نہیں ان کا نہیں, ابھی بات ہی نہیں کی ابھی. نہیں ان کا جو پہلا ان کا جواب میں نے ان سے کہا کہ آپ بیسکلی جب کوئی ڈاؤٹ آئے تو ڈاؤٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس ڈاؤٹ میں چپ نہیں ہو جاتے, اس کو چیلنج کرتے ہیں ڈاؤٹ کو. جب آپ ڈاؤٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو انیشلی تو ریزسٹنس ہوتا ہے آپ کا اپنی ذات کی طرف سے, فیئر ہوتا ہے, بٹ گو اہیڈ. ہم لوگوں کو آگ پر چلاتے ہیں, پیپل ہیو ڈاؤٹ کہ پتہ نہیں چل سکوں گا یا نہیں چل سکوں گا, بٹ لاسٹ مومنٹ پہ جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ ڈاؤٹ ختم کر دیا جاتا ہے, اینڈ دے آر ایبل ٹو واک آن فائر. تو ڈاؤٹ کو جب تک فیس نہیں کریں گے یو ول آلویز لیو اے لمیٹڈ لائف. We will always live a limited life, and who wants to live a limited life? Because we are here to create a difference. ہم یہاں پر ہیں ڈفرنس کریٹ کرنے کے لیے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, کچھ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے, تو یو نو جسٹ چیلنج. میں بولنا چاہ رہی ہوں کچھ پیچھے سے. جی السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ تھینک یو ویری مچ. فیس بک پہ آپ بڑا ایفرٹ کر رہی ہیں جی, بڑے لوگوں کو جواب دے دیتی ہے, بہت شکریہ آپ کا. شکریہ کی کیا بات ہے سر, آئی ایم یور اسٹوڈنٹ اینڈ ہاؤ کین آئی ڈو اینی تھنگ وچ از ناٹ پلیزنگ فار یو. ویل سر, ڈاؤٹس کی بات کر رہے ہیں سر, جب اسٹارٹ کی تھی آپ کے ساتھ ٹریننگ تو تب ہوتے تھے, تب بہت ڈفرنٹ پرسپیکٹو تھا, تب لگتا تھا کہ ہاؤ کین اٹ پاسبل. بٹ سر آپ سے یہ جو میرا ایک اسپرچل جرنی اسٹارٹ ہوا ہے, یو آر مائی اسپرچل گرو, تو اس کے بعد سے ہاؤ وٹ وین یہ چیزیں تو نکل ہی گئی ہیں نا دماغ سے, اب تو سامنے ایک فوکس نظر آتا ہے اور بس, مطلب آپ نے ایک اس قسم کا پش دیا ہے نا کہ وہ نیچرلی میرے اندر ایک بلڈ ان ہو گیا مجھے تو لگتا ہے. ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ بائی اور بٹ کم کر دے, بچے کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن بچے کچھ بولیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی بریک کے بعد بولیں گے, کہیں مر جائے گا دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر مویز لاؤنج.
वेलकम बैक नाजरीन, और जैसे हमेशा की तरह मंडे का दिन और ऑडियंस के साथ और आप लोगों के साथ इतनी सारी बातें होती हैं कि वक्त कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। और हमेशा की तरह आज भी हमारा वक्त खत्म तो हो चुका है, लेकिन एक बहुत प्यारी सी दो एंजल्स हमारे पास आएंगी और उनको कुछ बात करनी, तो पहले हम उनकी बात सुन लेते हैं एंड देन यू यस हमने सुना तुम डॉक्टर हो, इसका नाम बड़े मजे से लेते हो, बोले के बताओ बताओ